मौलाना इब्रार हमीद कादरी साहब से मुंतमिस हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। दूध पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ओ देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा से ओला हो आला। हम्द व सना के बाद मोहतरम मोहतशम शुरकाए नमाज जनाजा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुल्लू मन अलैहा फान सदकल्लाहु मौलाना अलअजीम, कि इस कायनात में सिवाय अल्लाह के हर चीज ने फना हो जाना है। ज़ात मोहतरम, ये जो मैयत हमारे सामने है चौधरी मोहम्मद सलीम साहब, ये बड़े अच्छे इंसान, बड़े खुश अखलाक, इनकी सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क गुजरी और गुज़श्ता कुछ अरसे से ये बीमार थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स बीमार होता है तो अल्लाह के फरिश्ते उससे तीन चीज़ें ले लेते हैं, एक उसकी नींद ले लेते हैं, एक उसकी भूख ले लेते हैं और तीसरी उसके आमाल जो हैं, उसके गुनाह जो हैं वो ले लेते हैं। अगर वो शख्स सेहतयाब होना था उस शख्स ने, तो दो चीज़ें उसको वापस कर दी जाती हैं, एक उसकी भूख को वापस कर दिया जाता है और एक उसकी नींद को वापस कर दिया जाता है। और जो फरिश्ते गुनाह लेकर गए थे वो पूछते हैं बारी ताला क्या गुनाह भी इसको वापस कर दें, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इस बीमारी के सदके इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अगर उस शख्स ने सेहतयाब होना था, लेकिन अगर वो शख्स उस बीमारी से मर जाता है तो हदीस मुबारक में जहाँ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पांच लोगों को अजाब कब्र नहीं होगा, उनमें जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ, जो सरहद पर पैरा देते हुए मर गया, जो किसी बीमारी से मरा और जो रात को सूरह मुल्क की तिलावत करके सोता था,
हुजूर फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनको अजाब कब्र नहीं होगा। तो ये माह रजब जिस महीने को अल्लाह पाक ने हुरमत का महीना करार दिया, ये बड़ी मुकद्दस और बड़ी यानी रिफतों वाली घड़ियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुकद्दस ये जो रजब का महीना है इसके बारे में फरमाया कि ये शहरुल्लाह है, ये अल्लाह का महीना है। इसके बाद आने वाला जो शाबान है, हुज़ूर ने फरमाया शाबान शहरी, शाबान जो है वो मेरा महीना है, और इसके बाद जो आने वाला महीना है रमज़ान वो मेरी उम्मत का महीना है। राधे जी वकार जो इस माह मुकद्दस आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो माह रजब में एक रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसी तरह हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने रजब की फजीलत के हवाले से फरमाया कि जो शख्स 7 रोज़े रखता है माह रजब में अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाज़ों को बंद कर देता है, और जो 8 रोज़े रखता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है, और जो शख्स इस माह रजब में 10 रोज़े रखता है हुज़ूर फरमाते हैं कि फिर वो अल्लाह से जो भी दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो ये माह मुकद्दस बड़ी इज्जत और तकरीम वाला महीना है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक भाई सलीम साहब की कामल मगफरत फरमाए और इस माह मुकद्दस के तमाम फजाइल जो इनकी आने वाली मनाजिल हैं अल्लाह ताला उनको आसान फरमाए। जमात में जाने का मौका मिलता है और सोशल मीडिया के एक प्लेटफार्म में भी बेशुमार किस्म के इज्तिमाआत हैं, उनमें भी हमें मौके मिलते हैं जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और यूट्यूब वगैरह है, फेसबुक वगैरह, हर लिहाज से लोगों का इज्तिमा है जिसमें हमें एक दूसरे से सीखने और सिखाने का मौका मिलता है। ऐसे ही हम यहाँ उलमाए किराम के बेशुमार खिताबात सुनते हैं और हम सिर्फ एक या दो जुमले कह के उसका रिकॉर्ड दे देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले हैं, बड़ा खूबसूरत बयान किया है, या इनका अंदाज़े तकल्लुम बड़ा खूबसूरत है। फिर उसके बाद हमारा हक अदा हो जाता है कि हमने क्या सुना और इन्होंने क्या बयान किया। अब हकीकी तौर पर मामला अब शुरू होता है कि जब हमें किसी चीज़ का इल्म न था तो अल्लाह ने हमें एक सोर्स दिया, ज़रिया दिया, जिसके ज़रिया से हमें इल्म हासिल हो गया। अब हमें वो चीज़ पता चल गई, अब अल्लाह के हाँ हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें इल्म दिया गया। जलजले आ जाना, मुसीबतें आ जाना, फिर उनका पलटकर खुशियों में बदल जाना, ये अल्लाह ताला की सुन्नत और हिकमत इलाहिया है कि इंसान तगैर और तबदल देखता है और उसको पसंद करता है। लेकिन एक चीज़ है कि इंसान अपने अंदर के तगैर को, तबदल को वो महसूस नहीं करता। जिसने अपने अंदर के तगैर और तबदल को महसूस किया और तब्दील हो गया वक्त के एतबार से, तो जब वो इस चारपाई पर आएगा तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बदलते बदलते दुनिया से आखिरत की तरफ बदल गया, तो गोया जो ज़िंदगी में बदलता रहा उसको आखिरत में कामयाबी मिलेगी। जो तब्दील ना हुआ तो हमें बयान करने की ज़रूरत क्या। जैसी सोच में आप आए वैसे तशरीफ़ ले गए, तो यहाँ एक बंदा स्पीकर स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, और वह अपने ख्यालात को आपकी नज़र कर रहा है, अपनी आवाज़ को इस हवा के दोष पर आपके कानों की समातों की नज़र कर रहा है। लेकिन हमने इतना ही कह दिया कि जनाजा में गए, माशाल्लाह खतीब साहब बोले या वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, हमें इस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी ये नहीं होता कि लवाहिकीन को जितना एहसास है और उस शख्स को जो इस जहान से अगले जहान में ट्रांसफ़र हो गया, उसने वहाँ अब अपने मामलात का हिसाब किताब देना शुरू कर दिया, हमने भी जाना है। अहबाब-ए-ज़ी-वक़ार
कुरान करीम अहादीस मुबारका का बगौर मुतालिया किया जाए और अहादीस मुबारका को नंबरिंग के हिसाब से और आयात को आयत नंबर के हिसाब से आपके सामने बयान कर दिया जाए तो हमारे दिलो दिमाग में बात स्ट्राइक करती है कि इस बंदे ने वाकई एग्जैक्ट और हकीकी दीन मेरे सामने रखा है। इसी हवाला से मैं एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन उम्मीद ये रखता हूँ कि आज हम जब अपने घर तशरीफ़ लेके जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे तो अपने सारे आमाल को अपने मामलात को एक एक नज़र से देखेंगे और फिर उनमें से कम एक बुराई को छोड़ने की कोशिश करेंगे और एक नेकी के काम को करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। अगर हम ये सोच रखते हैं तो फिर हमारा आना जाना मेहनत करना फिर किसी काम का, वरना मेहनत सही ला हासिल के तौर पर हो तो बड़े दानश्वर कहते हैं ये नकम्मा इंसान है कि पूरा दिन काम करता रहा और शाम को जब मजदूरी का मौका मिला तो इसने कहा मैं पैसे नहीं लेता। उस आदमी को जब घर जाता है तो घर वाले पूछते हैं कि तुम क्या लाए हो, वो कहता है मैंने उनको माफ़ कर दिया। वो कहेंगे कि जो तुम्हारा हक बनता था वो तो लेकर आते, अब हमारा हक ये बनता है कि हम सही बात आपकी नज़र करें और आपका हक ये बनता है कि उसको किसी न किसी शुमार में रखें और अपने अंदर का एक इंसान है और अंदर की एक बात है कि मैं उम्र में ज़्यादा हूँ, मैं ये बात क्यों करूँ, हमारी रूटीन ये है हम ये काम क्यों करें, हमारा रसूम और रवाज में इस तरह से है हम ये काम क्यों करें, मेरी मुलाजमत के एतबार से मेरा ओहदा बड़ा है, आज मैं छोटे को माफ़ करना कैसे शुरू कर दूँ, मेरा कोई बरादरी का एक मुकाम है मैं ऐसी बात तब्दील करूँगा तो मेरी शख्सियत पर फ़र्क आएगा, शख्सियत पर फ़र्क ना आए और दीन का बेड़ा गर्क हो जाए, हमारा यही मामला है। बुनियादी बात आपके सामने सुननी इब्ने माजा की हदीस नंबर 4105 नंबर हदीस और इसके रावी है सैयदना उस्मान बिन अफ़ान तीसरे खलीफाए मुस्लिमीन, बयान करते हैं अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया जो शख्स ये कहता है कि मैं हमेशा दुनिया की तरफ ही चलता रहूं, दुनिया उसका मकसूद आज़म हो, दुनिया उसका मतमाए नज़र हो, दुनियावी मामलात में उसके 24 आवर्स गुजरते हों और हर काम में ये सोचे कि मेरी फलां जगह पे किस तरह से कामयाबी हो जाए तो अल्लाह ताला क्या करते हैं उसके दोनों आँखों के दरमियान उसके फकर का डर रख देते हैं। जो भी कदम उठाता है वो सोचता है कि मेरी यहाँ से नुकसान ना हो जाए और जब वो काम करने लगता है तो उसके काम को अल्लाह ताला बखेर देता है, उलझा देता है, वो एक ही काम में फंसा रहता है। एक दिन का काम था मुमकिन है महीना लग जाए और जो भी काम करता है उस काम के हवाले से उसके जहन में ये होता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरा फलां जगह पे मसला बन जाएगा, उसका दिल डरा रहता है फ़कर से। और हम अगर सोचें तो हम में से बेशुमार लोग जो भी काम करते हैं मामलात में सुबह से उठते हैं और बहुत सारे कामों में हमारा ये डर होता है कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। और जो शख्स आखिरत की फिक्र करता है, आखिरत के लिए ही काम करता है, अल्लाह ताला उसकी नज़रों के सामने गिना रख देता है, उसका दिल अल्लाह पाक गनी कर देता है, अल्लाह के तवक्कल पर उठता है, काम करता है और उल्टा पाँव डालता है अल्लाह पाक सीधा फरमा देते हैं और अल्लाह पाक उसके कामों को सुलझा देते हैं और जो काम वो ना कर सका वो अल्लाह ताला के दूसरे बंदे उसके लिए मुआवन बन जाते हैं, उसके काम हो जाते हैं। अब हम इस हदीस मुबारक से एक बात समझ लेते हैं कि हमारा सिर्फ दिल का इरादा किस तरफ होना चाहिए। अगर इरादा दुनिया का हुसूल है, दुनिया की इज्जतें हैं, दुनिया की शान और माल और मुलाजमत मकसूद आज़म है तो फिर दिल फ़कर में मुबतला हो जाता है और इंसान हमेशा डरा रहता है कहीं मैं मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे गरीबी ना आ ले, मेरी ख़ानदान में मेरी नस्ल को कोई गरीबी का सामना ना करना पड़ जाए। और आप बखूबी जानते हैं और इस बात का मुशाहिदा भी रखते होंगे उलमाए किराम
सूफियाने इकराम और जो सच्चे लोग हैं जो इससे पहले हमारे बुजुर्गों में शामिल हैं और जो आपके वालिदैन में शामिल लोग थे वो हमेशा थोड़ा कमाते थे, अच्छे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारते थे और अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे और कभी भी उनको मामलात में मसाइब में इतना सामना ना करना पड़ा जितना आज हमें करना पड़ रहा है। भाई सलीम साहब ने इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला इनके दराजात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक इनके मामलात पर अपना खुसूसी फजल व करम नाजिल फरमाए। अहबाब इसी वकार जी, एक और बात आपके सामने रखता हूँ इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए कि जो अहबाब यहाँ तशरीफ लाए और मेरी नज़र इस तरह से पढ़ रही है कि कुरानी आयात को पढ़ने के लिए, अहादीस मुबारका को बयान करने के लिए आगे देखा जाता है कि उसका लेने वाला उसका अदब कर रहा है ये नहीं। बुनियादी चीज़ ये है कि अहबाब खुदारा खूबसूरत मुआशरा की तश्कील के लिए जहाँ कहीं भी जाएं अपने मुआमलात में, चाहे वो सियासी पार्टीज़ हैं, चाहे कोई अपना कोई और किसी किस्म का मजहबी ग्रुप है या कोई और किसी किस्म का कोई मामलाती ग्रुप है, तो उसको इंतहाई खुले दिल के साथ और इंतहाई ठंडे दिलो दिमाग के साथ पूरी गुफ्तगू सुनना और समझना अपना वतीरा और अपना एक अंदाज बना लिया जाए, क्योंकि हम जब गुफ्तगू सुनना और पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू सुन के उसका माकूल जवाब देना एक सलीम उत्तबा और सलीम उल्कल्ब इंसान की अलामत है। जब हम किसी की बात को अधूरा सुनते हैं और उसको बोलने का और अपनी बात को उस तक पहुंचाने का तरीक़ाकार सख्त कर लेते हैं, तो हदीस मुबारका सही मुस्लिम की हदीस मुबारका 2669 नंबर सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ग्रुप आया और उन्होंने इजाज़त तलब की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि एक शख्स आया है जो बड़ा सख्त कलाम करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ इंतहाई नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई और नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाने के बाद जब वो जाने लगा तो सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि ये शख्स बड़ा सख्त है, सख्त कलाम करने वाला है, बद कलाम किस्म का बदगो इंसान है, तो फिर भी आपने इसके साथ नरमी का मुजाहिरा किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या आयशा, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतर शख्स वो होगा जिसकी बदकलामी से लोग डरते हुए अपना रास्ता बदल लेंगे। बदकलामी हम ये समझते हैं कि हमारी बड़ी ताकतवर किस्म की हमारी ज़ुबान है और हमारे अंदर एक जज्बा है और हम किसी से डरते नहीं हैं, इस वजह से हम तो बड़ी सच बोलने वाले इंसान हैं, इसलिए मैं बड़ी सीधी बात कर देता हूँ। लेकिन किसी के दिल पर क्या गुजरती है और उस कलाम से इंसान की शख्सियत पर क्या असर पड़ता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें पता चलता है। और एक और बात कि अहादीस मुबारका का मजमूआ बयान किया जाए, कुरान करीम की आयात बयान की जाए, तो शायद हम किसी और तरफ सोचें कि कोई टेक्निकल और किसी फलसफी का कोई कौल क्यों नहीं बयान हुआ। हम हैं मुसलमान लेकिन साइंसदान और साइंसदान की कोई एक अगर जुमला हमारे सामने रखा जाए तो नौजवान भी और पढ़े लिखे भी उसकी तरफ मायल होते हैं और इसकी वजह यह है कि हमने तिलावत कलाम इलाही घर में करना छोड़ दी है।
अगर हम खुद तिलावत कलाम इलाही घर में करें तो फिर हमें ये एहसास हो कि इसके फवायद अगर जाहिरन कैसे हैं और इसके बातिन फवायद कैसे हैं, और फिर उसके बाद हमारी आने वाली नस्ल जो नई जनरेशन है उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इसकी वाज़ह दलील ये है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ रागब नहीं करते और उस पर सख्ती नहीं करते, और फिर हम ये गुमान रखते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे उलमा पैदा हों। हम अपने मुआशरे का रिजेक्टेड पर्सन, माजूर किस्म का बच्चा तलबाए दीन के इल्म के लिए छोड़ते हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि हमें ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू मिले जो ज़हीन और फतीन किस्म का इंसान करता है, और हमारे सामने इमाम साहब ऐसे हों कि जो हमारे लिए रोल मॉडल हों। तो हम खुद भी इस चीज़ के शिकार हैं कि अपने बच्चों को कम से कम सुबह की नमाज के लिए, जोहर और असर और मगरब इशा की नमाजों के लिए ज़रूर मसाजिद की तरफ भेजें। और फिर एक बात जो सबसे पहले मैंने की कि जिस तरह से हमारे अंदर एक बात है कि हम अपने अंदर के ज़मीर को झुंझोड़ें और तगैर और तबदल को पसंद करते हुए खुद भी थोड़े से खुदा रा तब्दील हो जाएं, और इसमें सबसे बड़ी तब्दीली नरम गुफ्तगू करना, मोहब्बत के साथ दूसरों के साथ पेश आना और अपनी औलादों को दीन हक की तरफ मायल करना। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्ल अलैहि। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात। اللهم اغفر له وارحمه وادخله في الجنة। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। يا الله پاک نماز جنازہ ادا کی گئی اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں درجہ قبولیت عطا فرما। یا اللہ پاک بالخصوص بھائی محمد سلیم صاحب سلیم گورسی صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، یا اللہ پاک ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ان کے حسن اعمال کو، اعمال صالحہ کو وجہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنا، یا اللہ پاک ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرما، قیامت کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما، اللہ پاک علیین میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرما، یا اللہ پاک جس قبرستان میں مدفون ہونے جا رہے ہیں یا اللہ پاک تمام قبرستان والوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، رجب المرجب شریف کے اس مبارک مہینہ کی برکت سے ہم پر اپنی خصوصی فضل و کرم نازل فرما، اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ پاک بالخصوص لواحقین کو، ان کے بیٹے کو اور ان کے اعزاء و اقرباء کو صبر جمیل نصیب فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ پاک نماز جنازہ کی برکت سے اور ذکر و اذکار کیا گیا اس کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں برکتوں والی بارش نازل فرما، یا اللہ پاک ہمارے ہم سب کے سابقہ صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، آئندہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔